नमस्ते दोस्तों, हडीज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर, होम्योपैथिक के अंदर एक दवा से मैं आज आपको परिचित कराऊंगा। ये दवा वैसे तो छोटी है, लेकिन इसका जो काम आप देखेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इसका काम बहुत जबरदस्त है। कई बार क्या होता है, पेट के अंदर गैस भर जाती है, अब न तो वो ऊपर निकलती है और न वो नीचे पास होती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर रोगी की क्या हालत होती है वो भुक्तभोगी ही जानता है। और अगर उसकी गैस पास हो जाए तो उसको यूं मान के चलो कि लाटरी लग गई, यूं मान के चलो। इतनी तकलीफ होती है पेट के अंदर जब गैस इकट्ठी होती है और वह नीचे खारिज भी नहीं होती और डकार भी नहीं आती, तो इस प्रकार की बेचैनी आदमी को होती है। उसकी पूरी होम्योपैथी के अंदर जो गैस न तो नीचे पास होती है न ऊपर पास होती है, पूरी होम्योपैथिक में एक ही दवा है, उसकी स्लाइड में आपके सामने करता हूं। हाँ, ये हर एक इंसान को अपने घर के अंदर रखने चाहिए। इस दवा का नाम है रेफेनेस सेटाइवा। ये 6 पोटेंसी में बहुत बढ़िया काम करती है और 30 पोटेंसी में बहुत बढ़िया काम करती है। और इस दवा का इस्तेमाल आप 15 दिन, 21 दिन, 31 दिन, ज़्यादा लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं। वैसे आप ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट, दुष्प्रभाव नहीं। ये पेट के रोगों की एक अमूल्य दवा है और कुछ मैंने आपको पहले बता दिया भी इशारे में। अब मैं इसके आपको लक्षण जो खास हैं, देखिए बिना लक्षण के कोई दवा लेंगे तो लाभ नहीं करेगी। मैं आपको इसके खास खास जो लक्षण हैं ये बताता हूँ कि ये दवा नया या पुराना जो भी अतिसार यानी कि दस्ते जिनको लगने की आदत, चाहे वो आज लगे चाहे वो काफी समय से लगती आ रही हो, तो इस दवा के सेवन से निरोग हो जाएगा आदमी। और इसके जो खास लक्षण हैं वो मैंने आपको बताया और बता रहा हूं। पेट में वायु का इकट्ठा होना, वायु पेट के अंदर इकट्ठी हो जाती है और पेट के अंदर गड़गड़ की आवाज आती है, दूसरा जो इसका लक्षण है। और तीसरा जो इसका लक्षण है कि पेट का फूलना और डब डब की आवाज आना, यानी कि न तो ऊपर की ओर वायु पास होती है और न नीचे पास होती है। ये वायु रोग की खास दवा है और जो तकलीफ में इससे ठीक होती है वो एक अलग प्लस पॉइंट है। अब मैं जिस रोगी को इस तरह के दस्त आते हैं नए या पुराने, उसके मैं लक्षण आपको बताता हूँ। इसके रोगी का पहले दस्त का रंग है जो पीला होता है और दस्तें जाते जाते वो पीला का हरा रंग का हो जाता है और दस्तों के अंदर फेन यानी कि झाग होते हैं और बहुत वेग से मल निकलता है, लेकिन मल के साथ में जरा भी वायु पास नहीं होती। तो एक तो ये पेट की वायु को निकाल के फेंकती है और आदमी की तबीयत ठीक करती है, अफारा वगैरह सब ठीक करती है। अब ये आँख जो है अपनी, इसके ऊपर भी ये बड़ा लाभ करती है। आँख का लक्षण है कि कभी कभी आँख की जो पलक है ये फड़कती है और कभी कभी तो ये इतनी ज़्यादा फड़कती है कि रोगी कोई चीज को अच्छी तरह से देख भी नहीं सकता। और आंख की जो पुतली है वो आंख के भीतर गोलाकार घूमती है, ये इसका लक्षण है। यानी कि ये दवा पेट की वायु के साथ में आंख का फड़कना भी ठीक करती है। और एक और इसका लक्षण है दांत के दर्द का। अब दांत के अंदर दर्द
बहन बेटियों को गर्भ होने के पहले 2 महीना 1 महीना में अगर दांत में दर्द हो तो ये इस दवा का सेवन 1 हफ्ता कर लेंगी तो उनका दांत दर्द ठीक हो जाएगा। कुल मिला के रेफेनेस सेटाइवा ये या तो सलजम से बनी है या कोई चीज से बनी है, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं। और इतनी बेहतरीन दवा है पेट के गैस के लिए, कहीं भी आप खाना खाने जाएं, कुछ ज़्यादा खा लिया और खा लिया और आफरा आ गया, और एक कभी सोडा लेते हैं, कभी लेमन लेते हैं, कोई कोका कोला लेते हैं और कोई अजवाइन और काला नमक की फक्की लेते हैं, नाना प्रकार के जतन अपनी ओर से करते हैं कि हाय मैं मरा, हाय मैं मरा, और मन में ये इच्छा रहती है कि या तो लेटिन आ जाए या गैस पास आ जाए। अब लेटिन भी आएगी तो उसके साथ गैस पास नहीं होगी। तो रेफेनस उस वक्त 30 पोटेंसी के अंदर 15-15 मिनट में 3 खुराक ले ले हुए। अगर जो मैंने बताई है ऐसी स्थिति आ जाए, पेट में अफारा, वायु पास नहीं होती है, तो इसकी 30 पोटेंसी 5 बूंद आधे कप पानी में 15-15 मिनट के अंदर आप 3 खुराक लें, और उसके बाद 3-4 दिन आप 5 दिन है दिन के अंदर 3 दफ़े ही इसको 7 दिन 21 दिन आप ले सकते हैं। दोस्तों आज मैंने आपको पेट की एक बहुत उपयोगी दवा से परिचित किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि रेफेनेस ये बहुत प्यारी दवा है पेट की। आप अपने घर पे रखे इसके ऊपर लेबल लगा दीजिए, पेट के अंदर गैस होते ही इसकी खुराक ले लें। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।